गांडे प्रखंड के कोलडीहा मोड़ से पंदना बरमसिया चौराहा होकर डहुआ टाण मोड़ तक जाने वाली सड़क बदहाल है। रविवार को ग्रामीणों ने बैठक कर इस सड़क को जानलेवा बताया। बताया कि कोलडीहा से डहुआ टाण मोड़ तक का सफर मुश्किलों के सफर से कम नहीं है, जहां गड्ढों और उबड़ खाबड़ सड़क के बीच हजारों लोग रोज जान हथेली पर रख कर आवाजाही करते हैं। यह सड़क जनप्रतिनिधियों एवं विभाग की अनदेखी से बदहाल हो गई है। सड़क पर पैदल चलना दुभर हो गया है। सड़क पर उभरे बड़े बड़े नुकीले पत्थर एवं गड्ढे से सड़क की स्थिति बद से बदतर बन गई है। बताया गया कि इस बदहाल सड़क पर कोई भी चार पहिया वाहन आने से डरता है, जिस कारण कई बार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। बताया गया कि इसके लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार विभाग को शिकायत भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक केवल लोगों को आश्वासन ही मिला है। सड़क की बदहाल स्थिति एवं विभाग की अनदेखी से त्रस्त ग्रामीणों की एक बैठक रविवार को पंदना गांव में आयोजित की गई। बैठक में सड़क की बदहाल स्थिति एवं उसके निर्माण पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाबूराम मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2009 में डहुआ टाण मोड़ से चौरा बरमसिया पंदना होते हुए कोलडीहा मोड़ तक करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण आरईओ विभाग से किया गया था, पर ठेकेदार की मनमानी एवं विभागीय उदासीनता के कारण सड़क में लोकल पत्थर लगाकर जैसे तैसे सड़क निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सड़क बनने के एक दो साल बाद ही सड़क टूटने लगा एवं नुकीले पत्थर उभर कर बाहर आने लगे। कुछ साल बाद ही सड़क की स्थिति बदहाल हो गई। वर्तमान समय में सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर समाज सेवी जनप्रतिनिधि एवं विभाग का ध्यान भी उत्कृष्ट कराया गया, पर सबों ने केवल आश्वासन ही दिया, किसी ने इस पर सकारात्मक पहल नहीं की। इस बदहाल सड़क को लेकर बेहाल लोगों ने कहा कि जल्द ही सड़क की मरम्मत अथवा निर्माण को लेकर विभाग गंभीर नहीं हुई तो यहाँ के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूपेण वोट का बहिष्कार करेंगे। मौके पर मुखिया केशर मुर्मू, बबलू कुमार पंडित, रामजीत मुर्मू समेत अन्य ने सड़क निर्माण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर सुशील कुमार मुर्मू, राजेंद्र टुडू, वकील हेम्ब्रम, रसी लाल मुर्मू, केदार मरांडी, रितेश राणा, यमुना राणा, मुन्ना टुडू, विश्वनाथ मुर्मू, सोमरा हेम्ब्रम, राम मुर्मू, हीरालाल सोरेन, नरेश चौड़े, फुरकान अंसारी, दिलीप टुडू, मोहम्मद संदाम, संतोष राणा समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। एक रोड कोलडीहा मोड़ से डहुआ टाण मोड़ तक जो जाती है उसके पुनर्निर्माण के मांग के लिए जमा हुए हैं। इस गांव से हम लोग पांच गांव के लोग प्रभावित होते हैं, बरमसिया, पंदना, नावाडी और कोलडीहा, लेकिन इस रोड को कोई भी देखने वाला नहीं। विवश होकर आज हम लोग इस मांग में उतर गए हैं और हम लोग इतना तक ठान लिए हैं कि अगर ये रोड आने वाले विधानसभा के पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये चार गांव के लोग पूर्ण रूपेण वोट का बहिष्कार करेंगे, कोई भी मतदान करने नहीं जाएंगे। ये हमारी मुख्य मांग है। ये है जो अभी जैसे कोलडीहा मोड़ से डहुआ टाण मोड़ तक जोड़ने वाली रास्ता है और हम लोग देख रहे हैं अभी सिचुएशन रोड का कंडीशन भी मतलब इतना दयनीय हो गया है कि अभी इसमें आदमी तो क्या जानवर भी चलने लायक मैंने रोड रहा नहीं। हम लोग का एक ही मांग है मैंने सरकार से कि सरकारी स्टाफ को भी हम लोग रोड के बारे में आवेदन दिए हैं लेकिन अभी तक पहल नहीं हुआ है। सिर्फ बोले हैं कि आपका रोड सेंक्शन हुआ है, अतिशीघ्र रोड का काम शुरू होगा, लेकिन रोड आज तक देख सकते हैं कि किस तरह कंडीशन है रोड का। हम लोग का यही मांग है कि रोड अतिशीघ्र निर्माण होना चाहिए। बस इतना मैदान में सभी हमारे पंचायत के सभी ग्रामीणों और गणमान्य व्यक्ति और अदर पंचायत का गणमान्य व्यक्ति जितना भी आपका भरम से खराब होने के चलते मार भी गया है। यही हम कहना चाहेंगे, सरकार से निवेदन करने चाहेंगे, हमारा एमएलए और हमारे सांसद जल्द से जल्द इस रोड को निर्माण करे और नहीं इस बार अगर नहीं निर्माण किया तो आने वाला वोट में हम किसी सांसद और विधायक को हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए चारों
पंचायत। अब दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीर के द्वारा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोडोंटिक सेंटर, रूट कैनल सेंटर तथा डेंटिस्ट्री के माध्यम से टूटे हुए जबड़े तथा टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना एवं सड़े हुए दांत, पायरिया, मुंह के कैंसर का इलाज 32वीं और कृत्रिम दांत बड़े ही कम समय और कम खर्च में किया जाता है। तो अब देर किस बात की, आइए और दीजिए अपने दांतों को चमचमाता हुआ स्वस्थ रूप। तो पता याद रखें, मेन रोड पचम्बा गिरिडीह।